यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। बंसीधर नगर प्रखंड अंतर्गत नरही पंचायत के सलसलादी और सिंहपुर उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में नरही पंचायत की मुखिया संगीता श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में बच्चों की संख्या में कमी पाई, जिसको देखकर मुखिया संगीता श्रीवास्तव ने शिक्षकों को बच्चों की उपस्थिति हर हाल में बढ़ाने के लिए निर्देश किया। मौके पर वार्ड सदस्य नागेंद्र राम, रेणु देवी, नागेंद्र सिंह, विनोद ठाकुर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। आज नरही पंचायत के अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सलसलादी और सिंहपुर विद्यालय का मैंने इंस्पेक्शन किया। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों की जो उपस्थिति थी सलसलादी आपके स्कूल में बहुत कम थी। मैंने वहाँ के शिक्षक ज्ञान प्रकाश से भी इस बात के लिए जानना चाहा कि बच्चों की उपस्थिति इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने बताया कि बच्चे लोग भी हैं जो अपने धान काटने का जो सीजन अभी चल रहा है उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि वो घर के बच्चों को भी संभाल रहे, छोटे छोटे बच्चों को, इसलिए भी नहीं आया है। तो हमने ये कहा है उनसे कि आप खुद जाके अभिभावक लोग से बात कीजिए, नहीं होता तो अभिभावक गोष्ठी बुलाइए, जिसमें मुझे स्वयं बुलाइए, मैं स्वयं अभिभावक लोग से बात करूँगी और उन लोगों का जो बचपन का जो पढ़ाई है वो व्यर्थ ना जाए। उन लोगों को उस वक्त एग्ज़ाम भी चल रहा है, जो बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए हैं। साथ ही मैंने जब सिंहपुर स्कूल में इंस्पेक्शन किया तो वहाँ की साफ़ सफाई के बारे में मैंने ख़ास तौर पर ध्यान दिया, जो गंदगी फैली हुई थी। और इसके साथ ही बच्चों लोग को भी डेली आने के लिए, प्रतिदिन स्कूल आने के लिए और साथ ही ड्रेस में आने के लिए मैंने बच्चों लोग को समझाया है और कहा भी है कि आज जो शिक्षा प्राप्त करेंगे वो जीवन भर उनका जीवन में बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि पढ़ाई कभी किसी की बेकार नहीं आ जाती और शिक्षा से ही सबसे बड़ा व्यक्तित्व आता है, शिक्षा से ही सारे जितने भी अवगुण हैं वो खत्म होंगे और बच्चे का एक सही जीवन बनेगा। इसलिए मैं पुनः सभी को ये कहती हूँ कि यही बच्चे राष्ट्र का निर्माता है, इनसे हम आप सभी मिलके इसको बनाने में पूर्ण सहयोग दें।